मुंगेली जिला अंतर्गत ग्राम जरहा गांव थाना अंतर्गत ग्राम ठुकरी पारा ताई गांव निवासी दीपक श्रीवास उम्र 17 वर्ष ग्राम पंचायत में नल जल योजना अंतर्गत चल रहे काम के लिए ट्रैक्टर से रेत ढुलाई का कार्य में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ट्रैक्टर से अचानक गिर जाने से उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बीजापुर जिले के थाना मिर्तुर क्षेत्र अंतर्गत एंड्री पॉल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। गुरुवार को सुबह 6:30 बजे मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली सामान छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, माओवादी साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। रायगढ़ जिले की लैलुंगा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम टेटका आमा में घेराबंदी कर तस्करों पर कार्रवाई की गई, जिसमें पशु तस्कर मवेशियों से भरी हुई पिकअप वाहन को जब्त कर मवेशियों को मुक्त कराया गया। राजधानी रायपुर के देवपुरी में बिना मान्यता के साईनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज का संचालन पिछले 3 सालों से होता रहा। मामला सामने आने के बाद गुरुवार को सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज का घेराव कर जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को घेर कर उनसे सवाल जवाब किया। बलौदा बाजार जिले के साइबर सेल राजा देवरी थाने की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चांदन में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी चिंताराम पटेल व लाभी साहू को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में दोनों आरोपियों से कुल 70 नग बियर, 372 नग अंग्रेजी गोवा शराब एवं 95 लीटर कच्ची मोवा शराब जब्त की गई है। आरोपियों से कुल 67,660 रुपए का अंग्रेजी और मोवा शराब जब्त किया गया। बिलासपुर के रतनपुर में स्थित आशीष ट्रांसपोर्ट में घुसकर इंचार्ज व कैशियर से गाली गलौज कर ड्राइवर के ऊपर रॉड से प्राण घातक हमला कर 46,000 रुपए लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। रायपुर के बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले के फरार आरोपी प्रीतम सिंह ठाकुर को आखिरकार सरस्वती नगर थाना पुलिस ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी सहित पकड़े गए आरोपी ने साल 2014 से 2021 के बीच पोस्ट ऑफिस का एजेंट बनकर फर्जी पासबुक के जरिए 10 करोड़ से अधिक का गबन किया है। कोरबा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वेतन नहीं मिलने से नाराज एक वाहन चालक ने मालिक के पिकअप को लेकर फरार हो गया। चालक ने गाड़ी को काट काट कर कबाड़ में बेच दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम दिलाने का झांसा देकर महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर ने 4 लाख रुपए की ठगी करने वाली महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले में तखतपुर थाना क्षेत्र के जूनापारा चौकी अंतर्गत ग्राम साले डबरी में हुए अधेड़ व्यक्ति की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटा लोर में मुख्य सड़क मार्ग के ग्राम लखोदना मोड़ पुल के पास बाइक में सवार होकर ग्राम गेवरीपीठ से ग्राम लुफा की ओर जा रहे जीजा साले को किसी अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में भानु नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। गरियाबंद जिले के वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर के अंतर्गत लकड़ी की अवैध तस्करी की गुप्त सूचना मिलने पर सर्च वारंट जारी किया गया, जिसके बाद ग्राम खुटेरी में चल रहे अवैध फर्नीचर मार्ट में छापा मारकर कार्रवाई की गई। इस दौरान सागौन, बीजा एवं साल प्रजाति का चिरान जब्त किया गया है। कोरिया जिले में कलेक्टर कार्यालय का फर्जी चेक लगाकर बैंक से 1,29,00,000 रुपए निकालने के बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 3 लोगों के नाम से 21 फर्जी चेक स्टेट बैंक में लगाकर 23 दिन के भीतर राशि आहरण की गई। कोरिया जिले के संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने चर्चा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मारपीट के मामले में जमानत के लिए आरोपी व्यक्ति से 30,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं मिलने पर प्रधान आरक्षक ने युवकों को दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन युवकों ने प्रधान आरक्षक को रुपए देते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद SP पारुल माथुर ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। कोंडागांव जिले की एक नाबालिग को युवक पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर भगाकर तमिलनाडु ले गया था। शादी करूंगा कहकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। मामले की शिकायत करीब 40 दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा के मंदिर को एक बार फिर शर्मसार करने वाली हरकत एक शिक्षक के द्वारा की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तकतपुर की छात्राओं की शिकायत पर वहां के प्राचार्य ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच पश्चात शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में गुरुवार को बिजली चोरी के चक्कर में एक साइकिल दुकान जलकर खाक हो गई। ट्रांसफार्मर के केबल में हुक लगाकर दुकानदार बिजली की चोरी कर रहा था। अचानक केबल में लगी आग ने दुकान और ट्रांसफार्मर को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायगढ़ जिले के कोतवाली पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से 9 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले इस गिरोह के 2 सदस्य नाबालिग हैं। इन चारों के अलावा एक खरीदार को भी पकड़ा गया है जो चोरी का सामान उक्त आरोपियों से खरीदता था। शराब की तस्करी रोकने राजनांदगांव हाईवे के पाटे कोहरा परिवहन जांच चौकी के पास आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए बैरिकेड से तेज रफ्तार बाइक सवार टकराकर हादसे का शिकार हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए रंगी टोला उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कांकेर की एक नर्स का फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर किसी ने असली तस्वीरें और मैसेज पोस्ट कर दिए, इस पर नर्स ने थाने में FIR दर्ज करा दी है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि आरोपी जिला अस्पताल का ही कर्मचारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद जिले के कुकदा डैम में गुरुवार को एक युवती सहित 3 लोग डूब गए। 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कर्मचारी हैं और अपने साथियों के साथ रायपुर धमतरी और कांकेर से पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचे थे। जांजगीर जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में अकलतरा रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी बाइक को संजय यादव ने अपने दोस्त अवधेश सिंह ठाकुर के साथ मिलकर चोरी की थी, जिसे बेचने के लिए युवकों ने सीमेंट प्लांट के ट्रक यार्ड के पास ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में अवैध गांजा शराब के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी कड़ी में बिलाईगढ़ की ओर से बाइक में 8 किलो गांजा ला रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IPL क्रिकेट सट्टा के 3 आरोपियों को भाटापारा पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस 3 आरोपियों के बैंक खाता डिटेल की जानकारी ले रही है, साथ ही जिन जिन खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है उनकी भी जानकारी ली जा रही है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में सक्रिय 1,00,000 के इनामी बांसगुड़ा LOA सदस्य भीमा CNA सदस्य छोटू मोटू व जोगा ने SP दफ्तर में पुलिस व CRPF अफसर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में गुरुवार दोपहर 31 वर्षीय रत्नापति गजाधर निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिससे पता चला कि महिला अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी। गुरुवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बिलासपुर की अमर गैस एजेंसी के गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान सील पैक रसोई गैस सिलेंडर की जांच की गई। जांच में हर एक सिलेंडर में 100 से 150 ग्राम गैस की मात्रा कम मिली। जिन सिलेंडरों में गैस की मात्रा कम मिली उसे जब्ती बनाकर कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर से ट्रांसपोर्टर के अपहरण की बड़ी वारदात सामने आई है। मामला चार राज्यों से जुड़ा है, जिसमें गुजरात के ट्रांसपोर्टर का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अपहरण के बाद उड़ीसा में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में ट्रक ड्राइवर को बिलासपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है।